है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। पवन पुत्र अंजनी के लाला, पवन पुत्र अंजनी के लाला, गुण और बल की खान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े आपको हनुमान जी की जन्म कथा सुनाते हैं कि किस तरह हनुमान जी ने जन्म लिया। एक बार की बात है, ऋषि गौतम ने अंजनी को शाप दे दिया कि तुम कुमारी ही माता बनोगी। तो अंजनी ने सोचा कि मैं ये नहीं होने दूंगी। उन्होंने अपने आप को एक ऐसी गुफा में बंद कर लिया जिसमें मात्र एक छोटा सा छिद्र था जिससे सिर्फ हवा ही आ सकती थी। कि अंजनी गुफा में जाके बैठी है ध्यान लगा के, कहे हनुमान कथा हम सुनो तुम ध्यान लगा के, कहे हनुमान कथा हम सुनो तुम ध्यान लगा के। ये तो होकर है रहती, बड़ी बलवान है होनी, भोले ने जब देखा था विष्णु का रूप मोहिनी, भोले ने जब देखा था विष्णु का रूप मोहिनी, मोहिनी रूप को तो देख, मोहिनी रूप को तो भोले का भटका ध्यान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। प्यारे भक्तों, गौतम ऋषि का शाप रंग लाया जब भोलेनाथ को बचाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप बनाया, तो भोले पूछने लगे कि हे विष्णु जी, आपने भस्मासुर को कैसे भस्म किया? तो विष्णु जी ने बताया कि मैंने मोहिनी रूप बनाकर उसे मोहित कर लिया था। ये सुनकर भोले ने मोहिनी रूप को देखने की जिद की। तब विष्णु जी ने भोले को मोहिनी रूप बनाकर दिखाया तो भोले उस पर मोहित हो गए और भोले बिंदु दूर हो गए। काम में चूर है भोले तो उनसे ब्रह्मा बोले, जो बिंदु गिरे धरा पर तो तीनों लोक ही डोले, जो बिंदु गिरे धरा पर तो तीनों लोक ही डोले। ये बिंदु बाहर निकालो, एक पुंगी में डालो, एक पर्वत की गुफा है जहाँ बैठी अंजना है, एक पर्वत की गुफा है जहाँ बैठी अंजना है। पवन के जरिए फूको बिंदु, पवन के जरिए फूको बिंदु, जा अंजनी के कान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान।
प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी ने भोले से कहा कि हे भोले, अंजनी को गौतम ऋषि का शाप है कि वो कुंवारी ही माँ बन जाएगी, जिस कारण उसने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया है। उस गुफा में एक छिद्र है, आप इस बिंदु को उस छिद्र से पवन के जरिए अंजनी के कान में फूंक दीजिए, गौतम ऋषि का शाप भी सच हो जाएगा और आपका बिंदु धरती पे भी नहीं गिरेगा। भोले आए पास गुफा के, वो बोले अलख जगा के, सुनी जोगी की वाणी अंजनी ने कान लगा के, सुनी जोगी की वाणी अंजनी ने कान लगा के, बोले फिर भोले शंकर, तुम्हें मैं दूंगा मंत्र, जरा नजदीक आओ छिद्र में कान लगाओ, जरा नजदीक आओ छिद्र में कान लगाओ, बिंदु फूका फिर भोले ने, बिंदु फूका फिर भोले ने, माँ अंजनी के कान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। तो हे भक्तों, इस तरह भगवान भोलेनाथ ने अपना बिंदु माँ अंजनी के कान में फूंक दिया, तो अंजनी माँ कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? तो भोले कहने लगे कि हे अंजनी, घबराओ मत, आपको गौतम ऋषि का शाप था और चिंता करने की कोई बात नहीं, आपका कौमार्य भी भंग नहीं होगा और ये बालक बड़ा ही तेजस्वी और बलवान होगा। ऐसे है गर्भ में आए भोले अवतार कहाए, पवन के जरिए गए हैं, पवन सुत भी कहलाए, पवन के जरिए गए हैं, पवन सुत भी कहलाए, पड़ी वानर की छाया, चेहरा वानर सा पाया, जन्म से ही बलशाली ये थी भोले की माया, जन्म से ही बलशाली ये थी भोले की माया। इसी तरह से जन्मे भक्तों, इसी तरह से जन्मे भक्तों, पवन पुत्र हनुमान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। तरह बजरंग बली हनुमान ने जन्म लिया। एक दिन खेलते खेलते उन्होंने सूरज को देखा तो उन्हें लाल लाल सूर्य फल के समान दिखा। उन्होंने सूर्य देव को फल समझ लिया और फल समझकर निगल लिया तो सृष्टि में घोर अंधकार छा गया। जब सूर्य देव उदय नहीं हुए तो सभी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा जी, सूर्य क्यों नहीं उदय हो रहे? ब्रह्मा जी ने देखा कि सूर्य को तो बाल हनुमान ने निगल लिया। सभी देवता हनुमान जी के पास आते हैं और देखिए क्या कहते हैं। देव
भक्त जनों, जब हनुमान जी किसी भी युक्ति से नहीं माने तो इंद्रदेव ने क्रोध में भरकर वज्र प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। जैसे ही हनुमान मूर्छित हुए, पवन देव आकर कहने लगे, हे इंद्र, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे पुत्र पर वज्र प्रहार कर दिया और क्रोध में आकर पवन देव ने अपना वेग ही रोक दिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। जो वायु पवन ने रोकी, सभी फल फूल मुरझाए, हुए बेचैन जीव सब, जिया अब कैसे जाए। हुए बेचैन जीव सब, जिया अब कैसे जाए। वेग रोक लिया, तब सभी जीव जंतु व्याकुल हो गए और पेड़ पौधे फल फूल सब मुरझाने लगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पवन देव, यदि आप अपना वेग रोक लेंगे तो सृष्टि में किसी का जीना भी संभव नहीं हो पाएगा। मैं हनुमान को स्वस्थ कर देता हूँ और वज्र देह होने का वरदान देता हूँ, आप कृपया करके अपना वेग छोड़िए। सूर्य भी आ गए बाहर, बहने लगी हवा भी झरझर, वीर बजरंग की बड़ाई, देवी देव रहे कर, वीर बजरंग की बड़ाई, झुकाए बड़ा वहां वानर दल है, जहां नील और नल है, बड़ा वहां वानर दल है, जहां पे नील और नल है। वानर राज सुग्रीव है उनके, वानर राज सुग्रीव है उनके, राजा बड़े महान है बजरंगी, बड़े महान है बजरंगी, बड़े महान। भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर आ जाते हैं, जहां वानर राज सुग्रीव का वानर दल रहता था। उधर अयोध्या नगरी में भी श्री राम जन्म लेते हैं। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों ना प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन किए जाएं। उन्होंने हनुमान को साथ में लिया, खुद मदारी का वेश और हनुमान जी को वानर का वेश धारण करवाया और अयोध्या में आकर मदारी रूपी भोलेनाथ अपने वानर को नचा नचा
गली गली में खेल दिखाने लगे। देख रही नगरी सारी, सबके मन को भाए, ऐसे वानर को नचाए, वो सबके मन को भाए। जो राम देखने आए, ये वानर मन को भाए, वो तो बैठे हैं जिद कर, भोले चले खेल दिखा कर, वो तो बैठे हैं जिद कर, भोले चले खेल दिखा कर। लेकिन श्री राम बिन वानर, लेकिन श्री राम बिन वानर, नहीं रहे हैं मान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े। प्यारे भक्तों, श्री राम ने जब वानर का खेल देखा तो वो उस वानर को लेने की जिद पर अड़ गए, लेकिन भोलेनाथ ने उन्हें वो वानर नहीं दिया तो श्री राम रूठ गए। राजा दशरथ ने बहुत वानर मंगवाए, लेकिन श्री राम तो उसी वानर को लेना चाहते थे। आखिर राजा दशरथ ने सुग्रीव से आग्रह करके हनुमान जी को बुलाया, तब जाकर श्री राम मान गए और बोले कि हनुमान, हमें नर लीला दिखानी है जिसमें तुम हमारी मदद करना, और उन्हें वहां से विदा कर देते हैं। जो वन में राम है आए, तो बजरंग बने सहाय, सिया सुधी कर आए, लंका भी दी है जलाए, सिया सुधी लेकर आए, लंका भी दी है जलाए। लगी लक्ष्मण को शक्ति, लाए संजीवनी तब ही, प्रभु ने की है बड़ाई, भरत सम कह कर भाई, प्रभु ने की है बड़ाई, भरत सम कह कर भाई। श्री राम से अजर अमर का, श्री राम से अजर अमर का, मिला इन्हें वरदान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े। हनुमान कथा हमने संक्षेप में बताई है, जिसे गायिका मीनाक्षी मुकेश ने गाया है और गुलशन शर्मा ने संगीतबद्ध किया है और लिखा है आपके अपने भाई फौजी सुरेश पांचाल ने। तो बोलिए जय श्री राम। जो हमने गाथा गाई, ये तो है सुनी सुनाई, वीर बजरंग की, लेकिन कौन ना करता बढ़ाई, वीर बजरंग की, लेकिन कौन ना करता बढ़ाई। क्यों ना हो श्रद्धा हमारी, कहे ये दुनिया सारी, है गुल उपदेश ये लिखना फौजी सुरेश, है गुलशन को उपदेश ये लिखना फौजी सुरेश। मात शारदे की कृपा से, मात शारदे की कृपा से, हमने किया बखान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े।
सुवन केसरी सुत को शीश नवाते हैं, चरणों शीश नवाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शंकर सुवन केसरी सुत को शीश नवाते हैं, निशदिन शीश नवाते हैं। श्री राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी पहुँचे शिव के कैलाश पे, ध्यान मगन शिव शंभू थे भक्ति आकाश पे। करो उपाय दश कंद के कुल संघार का, शिव भोले ने किया था वादा खुद अवतार का। हे विष्णु जी तुम भी तो हरि अवतार को लो, स्थापित करो धरा पे कांधे भार लो। अपना अंश मैं दे दूंगा भूमि पे आपको, राम दास बन मेटेगा दानव संताप को। प्रफुल्ल होकर सभी देवता लौट के आते हैं, स्वर्ग में लौट के आते हैं। हम राम भक्त श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। केसरी पत्नी अंजनी गई मतंग ऋषि के पास, पुत्र बिना मैं दुखी ऋषि वर पूर्ण करो मेरी आस। आकाश गंगा तीरथ में तुम जाकर करो स्नान, 12 वर्ष तक तप करने से हो जाए संतान। वायु देव ने भी दे दीना पुत्र का वरदान, ठीक समय पे जन्मा नाम रखा हनुमान। शिव शंकर के अंश है हनुमत वीरों के भी वीर, पवन पुत्र हनुमान कहाए वानर रूप शरीर। देख देख के सुत को मात पिता हर्षाते हैं, दोनों मिल हर्षाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। की भांति बालक बढ़ने लगा दिन दिन, बल बुद्धि और तेज अनुपम वज्र के जैसा तन। एक रोज जब सो के जागा माथे बाहर कहीं, भूख लगी तो देखा घर में कोई आहार नहीं। सूर्य बिंब को फल समझा और लगा लिया अनुमान, खाने को उड़े गगन में अंजन सुत पावन हनुमान। गिरे गगन से पड़े गिरी पर बालक थे नादान, अनु टूटी तो हनुमत बन गए जान जगत के जहान। अब
अपने सब वरदान देवता देकर जाते हैं, उनको देकर जाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दशरथ के दर पहुँचे शंकर बन कर के मदारी, वानर हनुमत संग लिए थे माया थी नियारी। बजा बजा के डमरू शिव ने खेल दिखाया था, राम लखन संग सब भाइयों को खूब हंसाया था। राम जी बोले अब तुम पंपा सरोवर में मिलना, सुग्रीव के संग में रहना वहाँ पे मित्रता करना। प्रभु राम जब कैकई ने वन में थे भिजवाए, सीता हरण किया रावण ने रघुवर थे घबराए। पंपा सरोवर में हनुमत से वो मिल जाते हैं, प्रभु वर तो मिल जाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लगाया था दशानन ने हरली जान की भेद बताया था। बाली वध के बाद सुग्रीव गए फर्ज को भूल, हनुमान ने याद दिलाया छोड़ो नहीं असूल। सीता खोज में वानर दल को फिर बुलवाया था, हनुमान को सुग्रीव ने यूं फरमाया था। महाकपि कोई तुम साना बड़ी गति तुम्हारी, जनक नंदिनी को तुम खोजो इच्छा ये हमारी। अंगद जामवंत संग हनुमत खोज में जाते हैं, सीता की खोज में जाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रघुवर ने एक दी अंगूठी संग में ले जाओ, समय गवाए बिन सीता का पता तो लगवाओ। गिद्धराज संपाति ने सब वेद बताया है, अशोक वाटिका में सीता को जाके छुपाया है। सबकी सलाह पे हनुमान जी सागर पार गए, अपनी देह का अंजनी नंदन कर विस्तार गए। लंकिनी को मुक्का लगाया लंका में घूमे, मुंदरी देकर माँ सीता के चरणों को चूमे। हनुमान जी लंका में उत्पात मचाते हैं, भारी उत्पात मचाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
उनका पति सुत अक्षय के संग असुरों को मारा। ब्रह्म अस्त्र में बंध के गए तो रावण ललकारा। माँ सीता का हरण किया है राम को लौटा दो। प्रभु राम से माफी मांगो सर को झुका दो। हनुमान की पूछ में जब वहाँ आग लगा डाली। उछल उछल कर हनुमत ने सब लंका जला डाली। चूड़मणि ले माँ सीता से आए प्रभु के पास। लंका की हर बात बताई सेवा में है दास। भक्त विभीषण की बातें हनुमान बताते हैं, प्रभु को सब बतलाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। और लंका पति में युद्ध हुआ भारी। लखन लाल को शक्ति लगी जो मेघनाथ ने मारी। वैद्य सुषेण ने कहा हनुमत बूटी ले आए। बूटी सेवन करते ही लक्ष्मण जी उठ धाए। दशानन का प्रभु राम ने वंश मिटाया था। माँ सीता को लंका से सकुशल छुड़वाया था। विभीषण को लंका दे दी और ताज पहनाया था। रोम रोम में राम है जिसके वो मुस्काया था। हनुमान को सीने से प्रभु राम लगाते हैं, देखो राम लगाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विजय के बाद अयोध्या सब जन आए थे। नगर वासियों ने नगरी में दीप जलाए थे। सब वीरों को बिठा सभा में खूब दिए उपहार। माँ सीता ने हनुमान को दिया अनुपम हार। तोड़ तोड़ कर मोती देके इनमें न सियारा। माला में राम नहीं वो मेरे किस काम। देख माजरा बोले विभीषण ये क्या है बंदर। बोले हनुमत सिया राम हृदय के है अंदर। भरी सभा में अपना सीना फाड़ दिखाते हैं, सीना चीर दिखाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। और शीश झुकाया है। माता बोली हनुमत मेरा क्यों दूध लगाया है। हनुमान के होते युद्ध क्यों लड़ने गए श्री राम। तूने क्यों ना कर डाला था प्रभु राम का काम। लक्ष्मण सोचे अपने दूध पर अंजनी को है गुमान। ताड़ गई थी लखन
के मन की माता बड़ी महान। धार दूध की छोड़ी माने हो गया पर्वत चूर, ऐसा दूध पिलाया सुत को शक्ति है भरपूर। प्रभु की लीला प्रभु करे माँ को समझाते हैं, हनुमत तो समझाते हैं, हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी थी भूख सता रही, सीता माता नहा के कुछ सिंदूर लगा रही। माता ये क्या लगा रही हो, बोल उठे हनुमान, सिंदूर को लगाने से रघुवर का हो कल्याण। हनुमत भागे वापिस आए हंसी देख मैया, तन पे क्यों सिंदूर मला है बोलो रे भैया। ज्यादा सिंदूर लगाने से हो ज्यादा ही कल्याण, सीता माँ की आंखें भर गई मारे वा हनुमान। हनुमान को इसीलिए सिंदूर चढ़ाते हैं, भक्त सिंदूर चढ़ाते हैं, हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राम का सेवक या सीता का चर्चा छिड़ी हुई, हनुमान है मेरा सेवक सीता अड़ी हुई। राम जी बोले हनुमान तो सेवक मेरा है, चलो परीक्षा ले ले किससे स्नेह घनेरा है। ना सीता का सेवक हूँ मैं ना हूँ राम का दास, सिया राम का सेवक हूँ सच्चे सुख धाम किया। एक हाथ से पंखा लाया एक से लाया पानी, एक समय में दोनों की बात थी उसने मानी। सेवा प्रेम से सीता राम को मगन बनाते हैं, हनुमत मगन बनाते हैं, हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रघुवर की सेवा हनुमत तो कर ही जाता था, ऐसा मौका और किसी को मिल ही नहीं पाता था। तीनों भाइयों और सीता ने कार्य बांट दिए, हनुमान को काम दिया ना न्यारे छाट दिए। चुटकी बजाई अगर प्रभु को चमहाई आएगी, इतनी सेवा से आत्मा तृप्त हो जाएगी। एक तरफ को बैठ के हनुमान चुटकी बजाते थे, चुटकी के कारण प्रभु तो सो नहीं पाते थे। सारे सेवा काम दास को सौंपे जाते हैं,
देखो सौंपे जाते हैं हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं और किसी में है पर्वत हाथ उठाए ना ऐसा जोर किसी में है एक हाथ में गदा एक में बजती खड़ताली राम भजन में मगन रहे मेरे बजरंग बलशाली जैसा चाहे रूप बनाए हनुमत पवन कुमार संकट मोचन मंगल करता हरते कलह विकार कमल सिंह मेरे गुरु कर्ण सिंह बजरंगी के दास हनुमान की शरण रहे हम चैर तुबारा मास संकट मोचन और नहीं कोई देव कहते हैं भक्तों देव कहते हैं हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं।